हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद के रहने वाले 55 वर्षीय एक शख्स ने होटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। होटल की छत से शख्स के कूदने का एक वीडियो भी सामने आया। आखिर क्यों और कैसे यह सब हुआ, आगे आप देखिए। फरीदाबाद के सेक्टर 31 के रहने वाले रामकृपाल सिंह नाम के शख्स ने शनिवार रात एक होटल की छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या से पहले रामकृपाल सिंह ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें कई लोगों से पैसों के लेन देन की बात की गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक रामकृपाल कल दोपहर 12 बजे से ही घर से बाहर निकले हुए थे और रात तक घर नहीं लौटे थे। जब रात में उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि वे अगले दिन सुबह घर आएंगे। रामकृपाल के बेटे ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा सुबह फोन पर सूचना मिली कि एक होटल की छत से कूदकर उनके पिता ने आत्महत्या कर ली है। मृतक व्यक्ति की बसंतपुर में अपनी बेकरी की दुकान है, जिसे वे खुद चलाते थे। ऐसा है कि मेरे पिताजी कल घर से निकले 12:30 बजे के आसपास, तब बता के नहीं गए, तब मैं चला गया फैक्ट्री। फिर मैं फैक्ट्री से आया 4 बजे के आसपास, तो फिर मैंने फोन करा तो उन्होंने फोन उठाया, कह रहे कि मैं किसी दोस्त के साथ काम से बाहर आया हूँ और मैं शाम तक आऊँगा। तो फिर शाम को जब वो 6:30-7 बजे तक नहीं आया, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया 1.5 घंटा। तो जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो वो जहाँ भी आपस में उनके दोस्त यार हैं, जहाँ जाते हैं उनसे सबसे बातचीत करी, उन सब लोगों ने भी अपने जहाँ जहाँ जो जिसको जानता है सबसे पता किया, कहीं पता नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं अपने पापा को मिलाता रहा, इधर उधर पता करता रहा, कहीं पता नहीं लगा। फिर पापा ने 9:30 बजे के आसपास फ़ोन उठाया, तो फ़ोन उठाने जब उन्होंने उठाया तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि बहुत ज़्यादा लो हो, तबीयत ख़राब हो, या मतलब कोई डिप्रेशन है, कोई दबाव डाल रहा है, पता नहीं क्या, वो तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ, सुबह तक आऊँगा। फिर जब मैंने पूछा किसके साथ कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि मेरा रवि नाम का दोस्त है और मैं खेड़ी में हूँ। और फिर ये बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने बहुत बोला किसके साथ हूँ, नंबर दे दो, लोकेशन भेज दो, मैं आ जाता हूँ, बट उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने फ़ोन काट दिया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि उन्हें होटल की तरफ से फोन आया था कि उनके होटल की छत से कूदकर एक 55 साल के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वहीं मृतक के पास से पुलिस ने 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिस पर कई लोगों से पैसों का लेन देन की बात लिखी थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। ये सेक्टर 31 हाउस नंबर 215 के अंदर ओयो खुली हुई है, तो उसके 103 नंबर रूम में रुका एंट्री इसकी। और ये सुबह मेरे को सूचना मिली थी 7:45 के लगभग, तो मैं मौके पर पहुंच गया था और टीम में साहिब से अपनी CIA टीम भी, क्राइम टीम भी और डॉक्टर मनीषा भी वो मौके पर पहुंच गई थी, जो घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से किया गया। अब देखना होगा कि इस मामले को पुलिस किस तरह से जांच करती है, क्या ये मामला सुसाइड का है या हत्या का, अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।